बिजली फ्री का घोषणा करती, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे, आप क्या इस पर कहते हैं? देखिए, अखिलेश की बात और कुत्ते की लात, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों कह रहा हूँ सुन लीजिए, मुस्लिम समाज का वोट कैसे मिल जाए इसके लिए जिन्ना को राष्ट्रपुरुष बता रहे हैं। कहो कल ओसामा बिन लादेन की तुलना अपने पिताजी के बराबर खड़ा करके कर दें, राष्ट्र का महापुरुष बता दें, तो मुस्लिम समाज का वोट कैसे मिल जाए इस तरह की बात। आज टोटी नाम लेते ही अखिलेश यादव का नाम आ जाता है। बचपना उनके अंदर कूट कूट के भरा है। पूरी दुनिया कोरोना से कराह रही थी। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, हमारे भारत के डॉक्टरों ने वैक्सीन ईजाद करी, उसका भी माखौल उड़ाने का काम किया, कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए हुए भ्रम को दूर करने का काम किया वैक्सीन लगा करके। फिर वो थूक के चाटने वाली कहावत सही हुई, उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाइए। तो उनकी किसी भी बात का जनता भरोसा करने वाली नहीं है। जनता ने देख लिया 2014, 2017, 2019, 2022 भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कहते थे एक बार भाजपा आती है, एक बार सपा, ये दोनों मिल जाएंगे तो बड़ा गजब हो जाएगा। मिल के भी देख लिए, क्या गजब हुआ। जनता जान चुकी है हमारा गठबंधन आम जनमानस, आम जनता से, इस प्रदेश में अमन चैन चाहने वालों के साथ है, इस राष्ट्र को चाहने वालों के साथ हमारा गठबंधन है। अब ये ऐसी ऐसी बातें कैसे सत्ता का लोभ प्रेम भरा है कि जिन्ना को आदर्श बता दे रहे, ओसामा बिन लादेन को आदर्श बता दे, ये भी फ्री वो भी फ्री, लाओगे कहाँ से? 1000 करोड़ की सड़क कैसे 2000 करोड़ की बेच करके 1000 करोड़ तिजोरी में भर ले? इस तरह के काम करने वालों को जनता ने नाकार दिया। अभी बैस वर्ग की लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं चुनाव से पहले, क्या बैस वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है? बैस वर्ग को साधने की कोशिश थोड़ी करनी है, बैस वर्ग ऑटोमेटिक सदा हुआ है। जो योगी जी ने करके दिया है गुंडों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, वह समाज को सबसे ज़्यादा इसका फायदा हुआ है।